क्या आप भी व्रत उपवास में साबुदाना का उपयोग करते हैं तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए सबसे पहले हम 250 ग्राम साबूदाना को दो घंटे पहले से भिगा के रख देंगे अब दो घंटे बाद इसमें हम डालेंगे लगभग एक चम्मच शाही जीरा और नमक स्वाद अनुसार और इसमें जितना साबुदाना है उतना ही हम पानी भी डालेंगे नहीं तो क्या होता है ना साबूदाना बाद में जब फैलता है तो वो बहुत सूखा हो जाता है इसीलिए पानी की मात्रा हमें साबूदाना की जितने ही लेनी है तो चलिए जब तक ये धीमी आँच पर पक रहा है दूसरी तरफ हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं याद रखिएगा साबूदाना को धीमी आंच पर ही रखिएगा अब इस कढ़ाई को गर्म करते ही मैंने लगभग एक चम्मच तेल और एक चम्मच जीरा डाला है इसमें कुछ लाल मिर्च के टुकड़े और कुछ हरी मिर्च को बारीक कट करके डाला है आपके पास जो है आप उसी का उपयोग करिए तो चलिए इसके छौक मारते ही इसमें हम डालते हैं जो हमने पहले से आलू को कट करके रखा है तो इसमें हमें चाहिए आलू 250 ग्राम और टमाटर भी 250 ग्राम तो चलिए छौक में हमने ये आलू डाल दिया अब आलू के हिसाब से ही हमें नमक डालना है बस आलू के हिसाब से क्यों ये मैं आपको बाद में बताती हूँ तो चलिए ये आलू के डालने के बाद ही ये मैंने बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने तड़के में क्यों नहीं कड़ी पत्ता डाला क्योंकि ये जब बाद में डालते हैं तो इसका स्वाद कुछ अलग ही आता है वो आप भी ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा तो चलिए चलते हैं साबूदाना की तरफ तो हाँ ये भी धीमी आज पर अब लगभग तैयार ही हो चुका है तो देख लेते हैं आलू पका कि नहीं तो इसके लिए हम एक आलू को लेकर चाकू की सहायता से कट करके कर देख लेंगे क्या ये सॉफ़्ट और मुलायम हो चुका है हाँ ये अच्छी तरह पक चुका है तो आलू के अच्छी तरह पकने के बाद ही हमें टमाटर को डालना है तो ये मैंने टमाटर को भी सेम आलू जैसा ही कट किया है तो चलिए पहले मैंने बस आलू के हिसाब से नमक डाला था अब हम टमाटर के हिसाब से नमक डालेंगे क्यों क्योंकि जब हम आलू में नमक डालते हैं तो वो आलू पूरे नमक को सोख लेता है जिसके कारण टमाटर में नमक का स्वाद नहीं आता इसलिए मैंने अलग अलग नमक डाला तो इसको कभी तेज आँच पर और धीमी आँच पर ढकते हुए अच्छे से पकाएंगे अब ये अच्छे से पक चुका है तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप उपवास में ही नहीं ऐसे भी कभी आपको मन करेगा तो आप ज़रूर बना कर खाएंगे तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए और सब्सक्राइब करिए और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो